वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव ऑन माई प्रीवियस वीडियो. तो आज की वीडियो कुछ ज्यादा अच्छी होने वाली है, बिकॉज वैसे आज की भी ट्रेवल वीडियो ही है, पर आज की वीडियो में हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. मैं आपको अभी जगह का नाम नहीं बताऊंगी कि हम जा कहाँ रहे हैं, बट आई एम डैम श्योर एंड ट्रस्ट मी, आप वहां पर जाकर मेरे साथ इतना अमेजिंग फील करोगे, बिकॉज आई थिंक कि वो जम्मू में विजिट करने के लिए बेस्ट प्लेस है. ठीक है, सो आज हम वहां पे जा रहे हैं. मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, पैकिंग हो चुकी है, मेरी सिस्टर जो है वो आ चुकी है मेरे को पिक करने के लिए. अभी हम फटाफट से जाते हैं बिकॉज वो वेट कर रही है मेरा. तो वहां पे अभी हम जा रहे हैं उनके पास, और आप भी चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो. तो गाइज मैं निकल चुकी हूँ, नीचे मेरी सिस्टर आ रही है, आ गई है, और वो मेरे को बहुत डांट रही है. हम पहुंच गए और अब हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है आपके साथ. तो चलो तो हमारा सैनिटाइजर खत्म हो गया है, तो हम जा रहे हैं सैनिटाइजर लेने. इस तरफ है, इस तरफ हम दोनों जा रहे हैं सैनिटाइजर लेने. जस्ट परचेज्ड अ सैनिटाइजर एंड हमें वहां पे पहुंचने में जो लगेंगे, बट इस पूरे टाइम में जो ड्राइव करने वाला इंसान होता है ना, उसके लिए बहुत हेक्टिक रहता है. तो हमारे साथ ड्राइव करने के लिए है मिस्टर अतुल. जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग, जहां हम जा रहे हैं उसको तो मैं पैराडाइज ही कहता हूं. जहां हम जा रहे हैं ये पैराडाइज में मैंने 2014 में शादी ही दो रीजन से की थी. फर्स्ट बिकॉज इट वॉज अ पैराडाइज, सेकेंड बिकॉज माई बिलवड वाइफ, ठीक है, जो कि इस पैराडाइज से बिलोंग करती है. तो आई गॉट टू थिंग्स इन माय मैरिज, फर्स्ट द प्रिटी वुमन सिटिंग इन द बैक सीट, एंड सेकंड थिंग लाइफ लॉन्ग विजिट टू दिस पैराडाइज. सो गाइस जहां पे हम जा रहे हैं वहां के डेस्टिनेशन के लिए, अब हम यहां से टर्न करें और हमने अपना हाईवे छोड़ दिया है, और यहां से आगे जो भी रास्ता आएगा वो टोटली माउंटेन से भरा हुआ है. ठीक है, तो आई एम डैम श्योर कि आप इस रास्ते को जैसे हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, वैसे आप भी बहुत अच्छे से हमारे साथ साथ एंजॉय करेंगे. ओके is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. थोड़े से फोटोशूट के लिए और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुके हुए थे तारों के नीचे, तारों के शहर में, और जस्ट लुक एट द व्यू. ओके, सो अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे, फिर हम अपने घर से खाना पैक करके लाएं, फिर हम वो खाना खाएंगे और बाकी आपको रास्ते के व्यूज दिखाते रहेंगे. Awesome place, awesome weather, बहुत मजा आ रहा है, एकदम chilled हवाएं हैं, बहुत ठंडी. Guys, बाहर हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई as you can see, and अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं है, अभी अराउंड हमें 3 hours और लगेंगे. Suffocating, I'm waiting.
always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. तो गाइज जब हम उधमपुर से निकले थे, सॉरी मैं आपको वहां पे टेम्परेचर दिखाना भूल गई, वहां पे टेम्परेचर था 32 डिग्री, लेकिन अब जैसे जैसे हम हाइट पे आते जा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर आई वांट टू शो यू, प्लीज जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो जैसे हमने टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर है 15 डिग्री, बट इट फील्स लाइक कि टेम्परेचर है 7 to 8 डिग्री, लिटरली बहुत ज्यादा ठंड है। सो इट्स टाइम फॉर अ लंच ब्रेक, हम लंच ब्रेक लिए यहाँ पे रुके हुए हैं एंड हल्की हल्की सी बारिश हो रही है एंड जस्ट लुक एट द व्यू मेरे पीछे। सो आर लंच इज डन एंड इवन कि जेरी ने भी अपना लंच खत्म कर लिया है, सो हम यहाँ से निकलने वाले हैं और आगे की यात्रा आरंभ होने वाली है। Just purchased the very famous thing of this place, that is it's like mozzarella cheese. So finally beautiful people, we reached the highest peak of this area जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये यहाँ का सबसे highest peak है और बहुत ही ज्यादा beautiful जगह है एंड यहाँ से हमें snowfall से ढके हुए mountains दिखने वाले हैं। So here we go guys, I'm literally shivering क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है एंड आई डोंट नो मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं, बट लुक एट दिस माउंटेन्स, यहाँ पे स्नोफॉल हुई है ठीक है एंड लुक एट द हाइट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस एरिया। गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम हैविंग गूज बम्स, लुक एट माई आर्म क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। गाइज प्लीज वॉच जेसीबी की खुदाई। तो मैं आपको ना कुछ बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ कि जमीन से पानी निकल रहा है और कैसे उसको पीने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे मैं आपको लाना चाहती थी एंड फाइनली वी रीच्ड हियर, ठीक है। सो ब्यूटीफुल, बेसिकली दिस इज माई होम टाउन एंड यहाँ का नाम है बसंतगढ़, ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज दिस इज द प्लेस, ठीक है, द पैराडाइज ऑन अर्थ एंड As I told you, I will tell you a very unique thing about this place, कि road literally ends here. यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं जाता है, यहाँ पे सच में रोड खत्म होता है। हमने सिर्फ चीजों में सुना है, वी हर्ड कि हाँ ठीक है रोड खत्म हो गया, बट दिस इज द प्लेस वेयर रोड एक्चुअली एंड्स। सो गाइज एज आई टोल्ड यू कि रोड यहाँ पे खत्म होता है, तो लेट मी शो यू कि ये बात सच है कि नहीं। Guys, I just reached my home और पीछे ये जो आप देख रहे हो ये मेरा घर है एंड होम टाउन तो मैंने आपको दिखाई दिया, बट बहुत जल्द मैं यहाँ की साइट सीन्स पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ और वो आपको जरूर दिखाऊंगी एंड आई होप, थोड़ा सा हमारा सफर लंबा था, थोड़ा सा हेक्टिक भी था, बट बहुत इंजॉय किया, तो ये थकावट ना मिट जाती है इंजॉय करने से। सो आई थिंक आपने भी हमारे साथ जरूर ये ब्लॉग इंजॉय किया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जैसे पहली वाली वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया इतनी जल्दी, इस वाली पे भी बहुत सारा प्यार दें एंड अभी थोड़ी सी मैं थक गई हूँ, सो रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपने घर में रहें, सेफ रहें, बाय, टेक केयर।